हेलो गाइस, ये आपका क्लास 8 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे पॉलीगन के। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। यानी कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा जा रहा है किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए। अब हम जानते हैं मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या है पॉलीगन का। इंटीरियर एंगल मिनिमम क्या होता है, 60 डिग्री होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए। और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे कितनी डिग्री बनती है, 180 डिग्री क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन पे बनती है। और आपको एक फार्मूला भी बताया गया था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। अब इस हिसाब से आप देखिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री तो आ जाएगा आपका कितना, 120 डिग्री। अब ये बताइए क्यों मैंने 60 डिग्री लिया, क्योंकि देखिए अगर एक तरफ मिनिमम रहेगा तभी एक तरफ मैक्सिमम बन सकता है। अगर 60 से कम लेंगे तो इंटीरियर एंगल पॉसिबल ही नहीं है, तब एक्सटीरियर एंगल बनेगा ही कहाँ से, जब मिनिमम एंगल अगर सबसे कम है। मिनिमम एंगल अगर यहाँ रह रहा है अगर इंटीरियर में, तो एक्सटीरियर मैक्सिमम रहेगा। वही एक्सटीरियर में अगर मिनिमम रह रहा है तो क्या होगा, इंटीरियर में मैक्सिमम होगा। यही आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना बनता है किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए, 60 डिग्री। और देखिए जब मिनिमम रहेगा तो जाहिर सी बात है, अगर एक तरफ कम है तो एक तरफ ज़्यादा होगा, तभी ना कंपेरिजन कर सकते हैं हम। इसीलिए हम कर रहे हैं मिनिमम एंगल अगर 60 डिग्री है तो फॉर्मूला लगा लिया इंटीरियर एंगल का। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाली एंगल कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। यानी कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर कितने डिग्री के एंगल बनेंगे, 180 डिग्री के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, आपका नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। यानी कि क्या निकालना है हमें, सम निकालना किसका, इंटीरियर एंगल का, किसके लिए, पॉलीगन के लिए। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पॉलीगन का जितने फॉर्मूला बन सकते थे, मैंने सारे फॉर्मूला आपको दिए थे। वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब देखिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या था हमारे लिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री था, यही फॉर्मूला था ना। अब देखिए इसी में पुट कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, n साइड के लिए दिया है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड। अब हमें n साइड ही दिया है तो क्या हो जाएगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, यही आपका हो जाएगा आंसर। n साइड दिया है और n ही हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड कितना है, n ही दिया है तो हम n पुट कर देंगे। अब देखिए दूसरा देखते हैं कि अगर वही a साइड दिया है तो 2a-4 90 डिग्री लिखते हैं। अब इसी तरह देखिए, नंबर ऑफ साइड हमें गिवन नहीं है, किस में दिया गया है, हमें वेरिएबल में दिया है और यहाँ पे कांस्टेंट में दिया गया है, तो हम कांस्टेंट टर्म को लेते हैं। अब देखिए एन कितना दिया है, 8 दिया है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। अब देखिए यहाँ पुट कर देते हैं, 2n-4 की जगह 2 इंटू एन की जगह क्या रखेंगे हम, 8 रखेंगे, -4 इंटू 90 डिग्री। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 8 2 16-4, क्योंकि बोडमास के रूल से हमें फॉलो करके चलना पड़ता है हमेशा। 16-4 इज इक्वल टू 12 इंटू 90 डिग्री, तो आ जाएगा आपका 108 1080 डिग्री, या फिर हम सीधे इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, 12 राइट एंगल। ये भी आपको कहीं कहीं 12 राइट एंगल अगर ऑप्शन में दिया है तो 12 राइट एंगल सही होगा, अगर 180 डिग्री दिया है, 1080 डिग्री दिया है तो ये भी सही होगा। अब देखिए 90 क्यों मैंने राइट एंगल लिखा, क्योंकि एक राइट एंगल में कितने डिग्री बनते हैं, 90 डिग्री बनते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू 90 डिग्री, तो 12 राइट एंगल लिख सकता हूँ। और ये देखिए अगर ऑप्शन में 1080 डिग्री है तो 1080 डिग्री आप सही करेंगे, नहीं तो अगर 12 राइट एंगल रहेगा तो 12 राइट एंगल भी आप सही करेंगे। ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब अगला टाइप देखते हैं क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे देगा आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए क्वाड्रिलेटरल इन ए हेक्सागन। दो क्वेश्चन मैंने दिया इस टाइप का, भी आपको क्वेश्चन देगा आप, इसका मैंने आपको फॉर्मूला पहले वीडियो में बना दिया था। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n-3 अपॉन 2। अब n क्या है यहां पर, n है आपका नंबर ऑफ साइड, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, ठीक। अब देखिए इस फॉर्मूला में मैंने पुट करता हूँ, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है। अब देखिए
नंबर ऑफ साइड हमें मिल चुका है 4, तो n की जगह क्या लिखेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 4। पहले क्वेश्चन के लिए 4 माइनस 3 अपॉन 2, अब इसको क्या लिखते, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 इंटू 1 अपॉन में 2, 2 टू 4, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब इस तरह देखते, दूसरा क्वेश्चन दिया आपका हेक्सागन के लिए निकालने के लिए, हेक्सागन के लिए क्या लिखेंगे, n, n माइनस 3 बाई 2। हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, हेक्सागन में साइड होते हैं, अब 6 साइड होते हैं हेक्सागन में, तो 6 माइनस 3 बाई 2, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 6 माइनस 3 यानी कि 3, 3 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा 9। नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 का मैंने इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब देखिए हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं, 9 डायगोनल होते हैं। इसी तरीके से आप इस टाइप के भी क्वेश्चन आप वर्गित हो गए। ये चीज आप याद कर लीजिएगा, मैंने पहले वीडियो में 3 टक आपको दिया है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, वन डेक, टू डेक, इस तरीके से सारा मैंने दिया है। 10 तक आप अगर याद कर लें तो वो आपका मैक्सिमम होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए नंबर ऑफ साइड निकालने के दिया है, जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल क्या दिया गया है, 45 दिया गया है। कितना दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है ईच एक्सटीरियर एंगल। इसके लिए हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या होता था, देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला को बताया गया था, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, उधर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो डिवाइड। अब देखते हैं इसको, इसमें पुट करते हैं। अब ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया आपका, 45 दिया गया है, तो 360 अपॉन 45। अब यहां से हम काट देते हैं, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 5 8 जा 40, यानी नंबर ऑफ साइड क्या आ जाएगा, 8, यानी कि क्या है ये, ऑक्टागन है। ये देखिए ये प्रोसेस ध्यान दीजिएगा, इधर डिवाइड है तो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखिए उसी क्वेश्चन से रिलेट करके एक और क्वेश्चन आपको बन सकता है, जिससे देखिए यहाँ पर क्या दिया, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल, वहां पे क्या था एक्सटीरियर एंगल था, अब यहाँ पे क्या दिया गया, इंटीरियर एंगल दिया गया जिसका मेजर 90 डिग्री है। अब इसको भी आप एकदम इजिली कर सकते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल होता है, ये आपको बताया था मैंने पहले लेक्चर में, ईच इंटीरियर एंगल। अब यहां से मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है तभी हम नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 180 डिग्री माइनस ये क्या दिया, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी दी, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी दी गई है, 90 डिग्री दी गई है, तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा आपका 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 90 डिग्री हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ चुका है। अब देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन में ही हमने पुट किया था एकदम वही, यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा देना है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड एन। अब हमें नंबर ऑफ साइड ही निकालना भी है, तो एन इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक। अब यहीं पे मैं पुट कर देता हूँ 360 डिग्री बाई 90 डिग्री, देखिए 9 4 36 यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, तो यानी ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल आपका आंसर। इसी के साथ आपके जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं, कुछ जो फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, और कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन जिसने मैं बताया उसको रिवाइज करिए, और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व करके ग्रुप में आंसर सेंड करिए, और अपने से करिए,
खुद से करिए, नहीं आ रहा है तो आप आस्क करिए उसको, आप 10 बार आस्क करेंगे 10 बार मैं आपको आंसर दूंगा, 10 बार समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, हर कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि अब जो आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन से बढ़कर वो क्या रहेगा, फिगर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। फिगर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, जब आपका थ्योरेटिकल कंप्लीट रहेगा तो आपको फिगर बेस्ड में उतनी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।